आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आज सिन्हा लाइब्रेरी में बैठक बुलाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं उसके साथ जो जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा उनके द्वारा बैठक बुलाया गया। देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और रही बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बैठक में पहुँच गए हैं और देख सकते हैं कि जो तमाम जो नेता है जो उपेंद्र कुशवाहा का जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। बात करें तो आप जो जदयू के MLC हैं रामेश्वर महतो वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। जिस तरह से बात करें तो 19 और 20 दो दिन को लिए बैठक बुलाया गया है जिसमें आज इस बैठक की शुरुआत है। जिस तरह से बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से कहें कि ये बैठक करीबन 4 बजे तक चलेगा और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जदयू कमज़ोर हो रहा है इसी को लेकर यह बैठक बुलाया गया है। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं वो पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से कहें कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उस साथियों के साथ बैठक बुलाया गया है। देख सकते हैं कि बैनर भी लगाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखाया गया होगा, उपेंद्र कुशवाहा का है और जॉन फर्नांडिस है और शरद यादव है। जिस तरह से बात करें तो लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कहते आए हुए हैं कि जनता दल यूनाइटेड है वो शरद यादव की पार्टी थी और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब्जा किया हुआ था। जिस तरह से देखें तो शरद यादव की जगह दिया गया है तस्वीरों में। लेकिन और बात करें तो जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह उनका जो पोस्टर में वो जगह नहीं दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जो नाराजगी है वो पार्टी से भी चल रही है। जिस तरह से कहें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जदयू कमज़ोर हो रहा है इसके कारण वो लगातार आवाज़ खड़ा उठा रहे हैं। और जिस तरह से बात करें तो इसी को लेकर जो समर्पित कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से जदयू को मजबूती करें। और जहाँ तक बात करें तो जब से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए हैं जब से उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और जिस तरह से कहें तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का कई बार बयान भी आया है कि जिस तरह से बढ़ाने की बात कहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बढ़ाना है, उस पर साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा भी कि अगर वो जनता दल यूनाइटेड कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता को बोलते कि बढ़ाना की बात करते हैं या जदयू के कोई भी दलित नेताओं को बोलते हैं तो हम साथ हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को बढ़ाने करते हैं तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते हुए कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज वापस आओगे। जिस तरह से उसी को लेकर जो जदयू के कमजोर को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा सिन्हा लाइब्रेरी में बैठक बुलाया गया है। और जिस तरह से कहें जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं सिन्हा लाइब्रेरी में। जिस तरह से बात करें तो 19 और 20 ये दो दिन बैठक बुलाया गया उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा और आज जो इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए हैं। और ये अभी से बैठक शुरुआत हुई है और करीबन 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और जो साथियों के साथ बैठक बात करेंगे कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना है। तमाम खबरों को बनाए रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।